नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा आई एस अकेडमी में। हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ में अभी तक कवर कर चुके हैं हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय पठार, द्वीप और मरुस्थल, तटीय मैदान, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग सीधा चलेंगे नदियों पे। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि हम नदियों के विषय में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ समझ लीजिए नदियों के विषय में। देखिए, जो नदी टॉपिक है अपना, आप ये मान के चलिए कि कम से कम हर साल एक से दो क्वेश्चन, मिनिमम टू मिनिमम दो क्वेश्चन तो हर बार आते ही आते हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपको मैप याद है, मैप अगर जैसे यहाँ पर बनाया मैप, तो नॉर्मल थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, क्योंकि देखिए जो ह्यूमन पावर होती है, ह्यूमन पावर देखने में ज़्यादा, मतलब अगर कोई चीज़ आप देख लो तो वो मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहता है पढ़ने के एवज में। अगर जो चीज़ आप पढ़ते हो वो कम समय तक रह सकता है, लेकिन जो देख के सुन लो, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अगर हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में देखो कोई सीरियल देख लें या कोई फिल्म देखें, तो फिल्म के डायलॉग्स या क्या कहते हैं फिल्म के कुछ कहानी अगर बनी है तो हो सकता है कुछ समय बाद ना याद रहे, लेकिन जो चलचित्र है उनका, जो चित्र बनाया जाता है, जो आता है हीरो और हीरोइन के जो चित्र चलते रहते हैं, उसमें जो दृश्य दिखाया जाता है, पर्वत पठार जो दिखाए जाते हैं, या एक्स वाई जेड कहीं के, सपोज जम्मू कश्मीर में शूटिंग की गई है तो वहाँ के कुछ मनोरम दृश्य दिखाए जाएंगे, तो वो चीज़ देखिए हमारे दिमाग में काफ़ी समय तक चलते रहते हैं। इसी प्रकार से नदियाँ हैं, नदियाँ जब आप पढ़ोगे ना, तो नदियों में आप बहुत सारी स्टेटों को देखोगे, मतलब उसमें हम लोग बाकायदे स्टेट से होते हुए निकलेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये नदी ये स्टेट से निकली हुई है, अच्छा ये यहाँ से निकली हुई है, तो वो ज़्यादा समय तक याद रहेगा। अगर आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है उतना अच्छा इमेजिन ना कर पाएं कि हाँ वो कहाँ पे कैसा था, लेकिन क्वेश्चन जैसे आ जाए एग्जाम में तो आप तुरंत कर सकते हैं उसको। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें कि वास्तव में नदियाँ हम लोग पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि हम लोग जो पढ़ेंगे नदियों में, सबसे पहला कॉन्सेप्ट वो पढ़ेंगे उदय के आधार पर, मतलब जो नदियों का उद्गम है, उद्गम मतलब नदियाँ निकलती कहाँ से हैं, उसके आधार पर दो प्रकार की नदियाँ होती हैं। एक तो हिमालयी नदियाँ, देखिए हिमालयी नदियाँ, दूसरी होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। देखिए हिमालयी नदियाँ का मतलब ये है कि जो हिमालय से निकली हैं, हिमालय का मतलब नेपाल हिमालय हो सकता है, कुमाऊँ हिमालय हो सकता है, और असम हिमालय हो सकता है, सिक्किम हिमालय हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हमने आपको हिमालय पहले पढ़ा रखा है, आप जाकर देख लीजिए, पांच प्रकार के हिमालय होते हैं, वो हिमालय में से किसी हिमालय से नदियाँ निकल सकती हैं। तिब्बत का पठार के दक्षिणी भाग में वो भी पूरा हिमालय में आता है, पर्वत से घिरा होता है, वो वहाँ से निकल सकती हैं। तो हिमालय की गंगा हिमालय से निकली, सिंधु हिमालय से निकली, सतलुज हिमालय से निकली, ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकली, रामगंगा हिमालय से निकली, गंडक हिमालय से निकली, कोसी हिमालय से निकली, ये सब हिमालयी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां देखिए, अब प्रायद्वीप में भी कई टाइप के होते हैं, गोदावरी, कृष्णा और क्या कहते हैं, फिर कावेरी आ जाती है, पेरियार नदी होती है, पूर्व साइड की नदियां, पश्चिम साइड की नदियां, तो कुल मिलाकर के ऐसे ही नदियां हैं। लेकिन उसके बेस के आधार पर हम देखें तो नदियों का स्ट्रक्चर जो बन सकता है, नदियों का स्ट्रक्चर कैसे बनता होगा, हम पहले ये देख लेते हैं कि नदियां बनती कैसे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ये देख लेना कि नदियां बनती कैसे हैं, ठीक है। ये अब ऐसे ही आप ऐसे लेके चलिए, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं। देखिए कोई ऐसा डायग्राम आप जैसे मर्जी का बना लें, वो समझने के लिए है आपके, ठीक है, ठीक है, कुछ ज़्यादा मोटा चल रहा है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया, देखिए नदियाँ जब यहाँ से चलेंगी तो इसमें ऐसे चलेंगी, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बना क्या दिया मैंने, वही बताने जा रहे हैं। देखिए नदियाँ जो चलती हैं आपकी, वो इस फॉर्मेट में चलती हैं, किस फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में चलती हैं, ठीक है। ये उद्गम स्थान हो गया नदियों का, ठीक है, क्या है ये नदियों का उद्गम स्थान है। समझिएगा पॉइंट बाय पॉइंट
कि नदियां यहां से निकलती हैं। मैंने आपको एक जगह बताया था कि नदियां, सपोज दैट ये कोई पहाड़ है, नदियों का उद्गम यहां से निकला, यहां से निकली नदियां यहां पे आई, हो सकता है ये भी पहाड़ हो, यहां से निकल के नदियां यहां आ गई, यहां आ जाए, हो सकता है ये भी थोड़ी ऊंचाई हो फिर निकल के यहां पे आ जाए, ये यहां पर, और ये प्लेन एरियाज मिल जाए आपके, तो कहां कहां, यहां पे, यहां पे, यहां पे नदियां इस फॉर्मेट में आगे बढ़ी। तो हिमालयी नदियां, ये हिमालय की नदियां हैं, देखिए ये हिमालय की नदियां हैं, ठीक, ये क्या है, ये आपकी हिमालय, ये हिमालय की नदियां हैं, ठीक है, ये हिमालय की नदियों का जो सीक्वेंस बनता है वो ऐसे बनता है, और प्लेन एरिया में फिर यहां पर आकर के ऐसे सीधे बहने लगती हैं, लेकिन कहीं कहीं देखिए नीचे होती चली जा रही है, जितनी दूर में इनको प्लेन एरियाज नहीं मिल जाते उतनी दूर में इनका ढलान नीचे की ही ओर होता हुआ चला जाएगा। जब प्लेन एरियाज मिल जाएंगे आपके मैदानी क्षेत्र जिसको बोलते हैं, तो ढलान फिर जो है आपका खत्म हो जाएगा, और फिर ये क्या करेंगी, जो ऊपर से देखिए यहां से निकली तो यहां पर हो सकता है कंकड़ पत्थर कुछ तो होगा, यहां पर ये काटते हुए निकलेंगी, इनको यहां पर कंकड़ पत्थर तो निकल के आएंगे, इनको काटते हुए निकलेंगी। सेम चीज मैंने यहां बताई है आपको, क्या बताई है, सेम चीज यहां बताई है आपको, ठीक है। अब हम समझते हैं जो नदियों का ये वाला भाग आपका ऊपरी भाग कहलाता है, मतलब कि प्रौढ़ावस्था। नदियां एकदम जो नई नवेली दुल्हन की तरह होती हैं यहां पे, तो अब समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति शुरुआत में रहता है आपके, मतलब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद 10 से 12 साल जब होते हैं, तो 12 साल से 20 साल तक का जो जोश होता है ना, वो वास्तव में काबिले तारीफ होता है, कुछ भी कर सकता है उसमें। नदियों की स्थिति भी यहाँ पर ऊपरी भाग में सेम होती है, ठीक है, ऊपरी भाग में सेम होती है, वही जोश जुनून जो है यूपीएससी और स्टेट एग्जामों की तैयारी करवाता है कि हम करना ये है, हमें बनना ये है, हमें बनना है। हाँ, अलग की बात है कि आगे चल के उसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, समझ में आता है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, तो ये ऊपरी भाग हो गया, ठीक है। इसी प्रकार ये मध्य भाग है, अब इसको आप युवावस्था बोल सकते हैं, ये मध्य भाग है, नई नवेली दुल्हन की तरह यहां से नदी निकली और बीच में आ गई। जब हम अपने जीवन में की शुरुआत करते हैं 12 से 20 साल के एज में होते हैं, तो होते हैं नदी के उद्गम की तरह, और जब हम लोग 20 से 40 साल या 45 50 साल के बीच में होते हैं, 20 से 50 साल के एज में होते हैं, तो मध्य भाग मतलब प्रौढ़ हो जाते हैं हम लोग, क्या हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, समझदारी बढ़ जाती है, सोचने समझने की क्षमताएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम लोग स्टार्टिंग में देखो, हम लोग को टीचर क्या है, रटाते हैं चीज़ें 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन आगे चल के यही 20 से 40 से 50 साल की एज में आप देखिए, तो बेसिकली 20 से 30 साल के एज में तो आदमी होड़ में लगा रहता है, लेकिन 30 से 40 एज में समझदारी ज़्यादा होती है। तो सेम चीज़ मिडिल में जब आती है नदी, यहाँ से निकली, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक 50 तक पहुँचते पहुँचते समझदारी दिखाती है, और जो अपने साथ कंकड़ पत्थर ले आई होती है उनको, उनका निर्वाहन करती है, ये प्राउड होती है, युवा से प्राउड हो जाएगी, ठीक है, युवा से प्राउड हो जाएगी, मतलब दृढ़ हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाती है। उसके बाद नदी इस अवस्था में आती है, ये थर्ड अवस्था होती है, निचला स्तर, इसको बोलते हैं निम्न स्तर, ठीक है, निम्न, क्या बोलते हैं, निम्न, ये निम्न हो गया, ये मध्य हो गया, ये ऊपरी हो गया, हम लोग इसको कह सकते हैं ऊपरी भाग, मध्य भाग और निम्नतम मतलब निचला भाग, ठीक है। अब आपको नदियों का उद्गम, नदी निकलती कैसे है, नदी का बहाव कैसे हो सकता है, नदी जो जब यहां पर रहेगी तो सीधी बात है मारपीट, 12 से 20 साल के एज में रहेंगे, 25 साल के एज में रहेंगे, तो सीधी बात है किसी से विवाद भी होगा, किसी से मार भी, लड़ाई झगड़ा भी होगी, मतलब सारी चीजें होंगी, उसमें आप बच नहीं सकते हैं, सबके साथ होता है, कोई कितना भी सज्जन हो, कहीं ना कहीं जीवन के ऐसे मोड़ पे आप किसी न किसी से टकरा ही जाएंगे, जो सरफिरा मिल ही जाएगा आपको। तो नदियां भी ऐसे होती हैं, जब यहां से निकलती है ना, तो कुछ ना कुछ ऐसे, कुछ न कुछ पर्वत पठार ऐसे सरफिरे मिल ही जाते हैं जिनसे इनका टकराव होता है, और उनको काटती हुई, उनको चीरती हुई
नदियां जब निकलती हैं तो जब काटेंगी चीरेंगी तो उनसे कुछ ना कुछ तो निकलेगा। आप किसी को झापड़ मार दो खींच के तो हो सकता है वो बेहोश हो जाए या हो सकता है ब्लड निकलने लगे। तो उसी प्रकार जब नदियां काट पर्वतों को काट के चीरते हुए सीधा निकलती हैं तो ऐसे देखिए ऐसे ये निकल रही हैं। इसी में देख लीजिए यहां पे पर्वत पठार होते होंगे, यहां पे पर्वत पठार होते हैं आपके, ठीक है। ये भाई साहब अकड़ के यहां खड़े हुए थे, जब ये निकली ना तो कहें हम हटेंगे नहीं, धक्का देते हुए निकली और इनका सीना चीरते हुए निकल के आगे जो बढ़ती हैं तो उनके जो कंकड़ पत्थर होते हैं, निकली यहां से इनको चीरा यहां निकलते हुए कंकड़ पत्थर लेते हुए जब निचले निम्नतम भाग पहुंचती हैं ये, तो ये क्या करती हैं अपने जो अवसाद मतलब कि वही जो कंकड़ पत्थर अकड़ के खड़ा था कि नहीं नहीं हम हटेंगे नहीं, तुम्हें दम हो तो मुझे चीर के दिखाओ, वही कंकड़ पत्थर आगे चल के मैदानी क्षेत्रों में बिछा देती हैं, जिसको जलोड़ पंख की तरह बिछे होते हैं, ऐसे एक लाइन से पंख देखा है, पंख की तरह कैसे होते हैं, पंख की तरह होते हैं, तो उनको ही जलोड़ पंख बोला जाता है। आप लोग जलोड़ पंख बहुत पढ़ते होंगे या सुना भी होगा कि जलोड़ पंख क्या होता है। तो नदियों द्वारा ऊपरी हिमानीकृत या फिर बर्फीली चोटियों से या पर्वती पहाड़ियों से जब निकलते हुए उनके कंकड़ पत्थर को चीरते हुए जब यहाँ नदियाँ हमारी इस स्थिति में निम्नतम स्थिति में पहुँचती हैं तो अपने साथ लाए हुए कंकड़ पत्थर जितने भी चीज़ें होती हैं वो सबको यहाँ पर निक्षेपित करते हुए और फाइनली एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। और गंगा, अगर ये एक नदी की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी नदी हो सकती है, हम अभी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा देखेंगे और डेल्टा का निर्माण करती हैं। और डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं, पंजाकार डेल्टा होता है, उंगलीकार डेल्टा होता है, वैसे बोलते हैं जो क्वेश्चन में हर बार आता है। तो ये एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहली चीज ऊपरी नदी नई नवेली दुल्हन की तरह जब निकलती है यहां से 12 से 20 के एज में, उसके बाद यहां पर आती है 20 से 50 साल एज हो जाती है, तो आप सोच सकते हैं 20 से 50 साल के एज में कैसे होगी नदी, मतलब कमाल ही होगी, मतलब टिक सकता है कोई उसके सामने, नहीं टिक सकता। उसके बाद जब यहाँ आएगी तो देखो, कभी भी मैदानी क्षेत्र में आप जाते हुए देखो नदियाँ सूखी नहीं मिलती हैं आपको, नदियाँ सिमटी हुई मिलती हैं, नदियों का पानी देखो फैला कितनी दूर में होता है लेकिन सिमटा हुआ मिलता है, क्यों, क्योंकि वो अपने भार को संभाल नहीं पाती और सारी चीज़ों का निक्षेप करते हुए वो प्रौढ़ा अवस्था में होती हैं, ठीक है, मतलब बूढ़ी अवस्था में होती हैं यहाँ पे, और ये अपने अवसाद का निक्षेप करते 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 और एक बार ये सागर में मिलने, महासागर में मिलने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं, चारों तरफ से डेल्टा का निर्माण होने से बहुत सारे फायदे भी होते हैं। बहुत सारे फायदे का मतलब डेल्टा निर्माण सबसे उपजाऊ होता है, डेल्टा निर्माण होने से आप ये मान चलिए कि जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं भूकंप रोधी और सुनामी लहरें, इनका अवरोधों का काम करता है। जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, समुद्र में अच्छी नदी साफ पानी गिरता है, वहाँ पर आप ये मान लवणता कम होती है, मतलब पानी खारा कम होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम समझेंगे इसी में, लेकिन एक एक चीज को पकड़ के चलिए, पहले नदियां कैसे निकलती हैं आपको ये समझ में आया, मैंने ये भी एग्जांपल देख लीजिए, ये नदियां यहां से कैसे निकली, मतलब ऊपर से निकल रही है फिर ऐसे, फिर एनसीईआरटी 6th class के NCERT आप पढ़ोगे तो उसमें 6th class के NCERT में ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। आप अगर थोड़ा स्टैंडर्ड जाओगे एनसीईआरटी में ही, आप अगर 11th से 12th class की NCERT पढ़ोगे, अगर 11th class की मॉडर्न हिस्ट्री की नई मॉडर्न ज्योग्राफी जो अभी न्यू वाली है आपकी, अगर उसको पढ़ोगे तो आपको ये इस तरह का कुछ मिलेगा। आप किसी प्रकार की बुक को प्रेफर करते हो, कोई भी बुक होगी तो उसमें इस तरह के फिगर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट नदी का, ठीक है, मतलब नदी का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम सीधा आ जाते हैं अपने नदी तंत्र पे, हम सबसे पहले देखेंगे हिमालयी नदी। आपको पता है अगर हम हिमालय नदी की बात कर रहे हैं, तो कहाँ के विषय में बात कर रहे होंगे, सबसे पहली बात, अगर हम हिमालय नदी की बात कर रहे हैं तो हिमालय नदी यहाँ से निकल के सीधा ये यहाँ पर जाके हुए ये ऐसे मुड़ जाती है। हमने बोला था आपको कि जब हम हिमालय नदी की बात करेंगे तो हिमालय ही नदी होगी उसमें। अब हिमालय नदी के अंतर्गत जितनी भी नदियाँ आती हैं, हम आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ को कर करके कंप्लीट इसी में बताएंगे। देखिए इस हम चाहते तो इसको रेडीमेड भी बता, हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, हम चाहते तो ये चीज़ें हम डायरेक्ट दिखा देते कि फलानी नदी यहाँ से निकलती, ये नदी यहाँ से निकलती है, लेकिन नहीं। देखिए इस क्लास का टोटल मोटिव यही है,
आपको बनाकर सिखाना कि आप सीखिए मैप कैसे बनता है, ताकि आप उसको एग्जाम में बना सके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो है हिमालय अपवाह तंत्र। हमने बताया आपको कि ये देख लीजिए, ये है हिमालय अपवाह तंत्र, यहां से नदियां निकलती हैं आपकी। ये हो गया आपका हिमालय का सबसे बड़ा पठार, ये मानसरोवर यहीं पे होता है, ये मानसरोवर क्षेत्र है, ठीक है, क्या है, मानसरोवर क्षेत्र है। ये कैलाश के बगल में ये कैलाश श्रेणी है, जो आप मैं मार्क कर रहा हूं, फिर से एक बार मार्क कर देते हैं ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। ये कैलाश श्रेणी है आपकी, यहीं के बगल में आपका मानसरोवर पड़ता है, और यहीं से सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र तीन बड़ी नदियों का उद्गम स्थान है। पहली चीज क्लियर हो गई, दूसरे में आ जाइए आप। दूसरे मैप में मैं आपको सीधा लिए चलता हूं सिंधु नदी सिस्टम, सिंधु नदी सिस्टम में आपको लिए चलता हूं। ध्यान से देखिए, सिंधु नदी का उद्गम कहां पे है, सिंधु नदी का उद्गम कहां पे है, ये है सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी का उद्गम, ये है सिंधु नदी का उद्गम। अब नदियां स्टार्ट हो चुकी हैं हिमालय में, पहली नदियां हिमालय क्षेत्र में, पहली नदियां अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, वो है सिंधु नदी, वो है सिंधु नदी। आपको पता होगा कि सिंधु नदी एक इतनी इंपॉर्टेंट नदी है कि अगर उसका पानी रोक दिया जाए तो पूरी पाकिस्तान भूख के कारण मर जाएगा, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमिक बर्बाद हो जाएगी, मतलब ये स्थिति है। लेकिन उसके भी और बहुत सारे इफेक्ट हैं, अगर पाकिस्तान सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए रोक दें तो ब्रह्मपुत्र की नदी हो सकता है चीन हमारे लिए रोक सकता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मित्र ही तो हैं, तो इसीलिए हम ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा सकते। लेकिन इसको शुरू करने से पहले बता देते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विवाद समझौता भी हुआ है 1960 में, जिसके अंतर्गत तीन नदी सिंधु, झेलम, चेनाब, कौन कौन सी तीन नदी, सिंध नदी और चेनाब और झेलम, ये तीन नदियां उनके हिस्से में मिली हुई हैं, जबकि रवि व्यास सतलुज, रवि व्यास सतलुज, फिर से याद रख करिए, रवि व्यास सतलुज, जो नाम आपको समझ में आएंगे हिंदुस्तान के ही नॉर्मली लगेंगे, चेनाब, चेनाब नाम से सुनिए, चेनाब, झेलम और सिंधु, चेनाब, मतलब एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ये तीन नदियां उनके साइड में हैं और तीन नदियां हमारे साइड में मिलती हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सिंधु नदी देखते हैं, ये देखिए, अब आप देखिए यहां से निकलती है, ये यहां से निकल रही है। अब आपको मैप के द्वारा दिखाते हैं, ये देखिए, ये यहां से निकली, ये देखिए यहां पे इंटर करती है, यहां से इंटर करते हुए और ये ऐसे 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 यहाँ पे ये सागर है, यहाँ पे ऐसे जाती है, ठीक है, कैसे आती है, अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी रुक जाइए। ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा स्थान है, मान सा रोवार, मानसरोवर है तिब्बत में कैलाश के बगल में, कैलाश क्या है, मानसरोवर है तिब्बत में कैलाश के बगल में, वहां से इसका उद्गम है। कौन सी नदी है, ये सिंधु नदी है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 11,000। हम यहाँ साइड में आपको क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई लिखते जाएंगे, आप यहाँ समझ लीजिए क्षेत्रफल कितना है। अब आप एक चीज और, भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से ही बहती है, केवल याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से बहती है, इसका किसी प्रकार से हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से कोई संपर्क नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मानसरोवर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से बहते हुए निकलती है, और निकलती कहाँ से है, मानसरोवर से, कहाँ निकलती है, मानसरोवर से, पर्वत, कैलाश पर्वत की जो श्रेणी है उसमें, वहां से निकलती है। और एग्जैक्ट अगर जगह का नाम बताएं हम, बोखुरचू के निकट हिमनद, बोखुर क्या नाम है उसका, बोखुरचू, क्योंकि वो तिब्बत का एरिया है तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग नाम बता रहे हैं, बोखुरचू के निकट से, ये है कैलाश श्रेणी, मैंने बताया ना, ये है कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी के निकट बोखुरचू, बोखुरचू हिमनद से के पास से निकलती है। अब आप देखिए इसका क्षेत्रफल 11,000, इसका क्षेत्रफल 11,65,000 किलोमीटर है,
कितना है? 11,65,000 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। अब पहली चीज, दूसरी चीज ये कि इसका क्षेत्रफल भारत में कितना है? 321,289, ठीक है। ये हम शॉर्टकट में क्षेत्रफल लिख दे रहे हैं, ठीक है, टोटल, TOTAL, टोटल, ठीक। अब पहली चीज, दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, भारत में कितना है, भारत में कितना है? तो भारत में है 321,289 किलोमीटर, ठीक। कितना है? 3,00,000, ये मिट गया, 3,00,000, क्षेत्रफल हो गया आपका कितना? 1,165 km, ठीक। भारत में कितना है? 321,289 किलोमीटर, कितना है? किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? कुल 2,880 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 2,880 किलोमीटर। भारत में कितनी है? 1,114 किलोमीटर, 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 ठीक है। कितना है? 1,114 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात यह है कि ये भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, ये देखिए, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, तो ध्यान सुनिए, भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, 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 भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। अब देखिए, इसको ऐसे बना लीजिए, ये अपवाह तंत्र है उसका, अपवाह तंत्र है, याद रखिए, अपवाह तंत्र है, ये अपवाह तंत्र है उसका, ठीक है। भारत में ये है आपका लद्दाख रीजन, देखिए ये नया मैप है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, नए मैप के अकॉर्डिंग है ये है लद्दाख रीजन, ये लद्दाख और जस्कर श्रेणी यहीं पाई जाती है आपकी, कहाँ पे? लद्दाख में ये है आपकी जस्कर श्रेणी, क्या है? जस्कर, और यहाँ ऊपर साइड में है ये आपका क्षेत्र जो पड़ता है, ये है आपका लद्दाख, क्या है, क्या है आपका? लद्दाख क्षेत्र है, ठीक, लद्दाख क्षेत्र है। तो आपको पता लग गया, पहली चीज, बोखुरचू हिमनद से, कैलाश श्रेणी के बोखुरचू हिमनद से मानसरोवर के पास स्थित नदी निकलती है, उत्तर पश्चिम में निकलते हुए सर्वप्रथम ये भारत के लद्दाख रीजन और जस्कर श्रेणी के बीच से काटती हुई लद्दाख को सीधा ऊपर को निकल जाती है, उससे उत्तर पश्चिम हो जाती है और जा करके ये फिर पाकिस्तान होते हुए, पाकिस्तान के ऊपरी क्षेत्र से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। भारत में लंबाई कितनी है? 1,114 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 2,880 किलोमीटर। और कुल कितना क्षेत्रफल है? 11,65,000। भारत में कितना है? 321,289 किलोमीटर। इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी समझौता में कौन कौन सी नदियां भारत में आई हैं? चेनाब, झेलम, सिंधु। भारत में कौन कौन सी नदियां आई हैं? रावी, सतलुज और व्यास, ठीक है। समझौता कब लागू हुआ? 1960 में, ठीक है। पहले अब इतनी चीजें समझ में आ गई। अब इसकी हम लोग दाएं साइड की नदियों की बात करते हैं। दाएं साइड दाइना हाथ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, दाया क्या है, बाया क्या है। जैसे आप इसको देख रहे हैं नदी के हिसाब से, तो अब यहां कंफ्यूज मत होइए, मैं बता दे रहा हूं। दाया मतलब कि नदी, अब आप अपने अपने आप को नदी के जगह पे रख के देखो। हम सपोज डेट ये नदी है, हमने यहां से चलना स्टार्ट किया, तो हमारा दाया क्या, हम यहां पे हैं तो हमारा दाया ये हुआ ना,
मतलब इस साइड की नदियां जो आएंगी ऊपर साइड की, वो सब दाएं में आएंगी, और जितनी भी नदियां इस साइड आएंगी नीचे आएंगी उसकी, सब वो बाएं साइड की आएंगी। दाया बाया आप समझ में आ गया, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट होता नहीं है जैसे, तो ये उनकी लेफ्ट साइड की नदियां हैं, सॉरी राइट साइड की नदियां हैं, और ये लेफ्ट साइड की, हिंदी में तो बिल्कुल याद रखिए, ये ऊपर जितनी ऊपर साइड में दाहिना और इधर नीचे साइड में बावा साइड, मतलब बाएं साइड की नदियां हैं, ठीक, पहली चीज। अब दाएं साइड की नदियां हम देख लेते हैं, यहां ऊपर से ही मिलती हैं दाएं साइड में, एक सीक्वेंस में समझ लीजिए, जिस एक सीक्वेंस में मिलती हैं, तो सबसे पहले सोयक, गिलगित, हुंजा, निब्रा, तो राइट साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट साइड की कौन कौन सी है, पहले कौन सी नदी है आपकी, पहली है ऊपर साइड की देख लें, अगर ऊपर साइड की देखते हैं, अरे यार ये चलता है, ऊपर साइड की देखते हैं, तो पहला है शोयक, ठीक है, गीली गित, कौन सी है, शोयक, गिलगित, उसके बाद हुंजा, हुंजा, निब्रा, कौन कौन सी है, सोयक, गिलगित, हुंजा, निब्रा, हुंजा, निब्रा, सिगार, सिगार कौन सी है, उसके बाद सिगार, सिगार, ठीक है, कौन कौन सी है, सिगार, तोची, अब ये सब पाकिस्तान में घुस रहे हैं हम लोग, तोची, खुर्रम, खुर्रम, तोची, खुर्रम, सिगार, निब्रा, हुंजा, गिलगित और शोयक, ये सब ऊपर से मिलती हैं, यहां पर शोयक मिलेगा, यहां गिलगित मिलेगा, यहां तोची मिलेगी, ठीक है, कहां मिलेगी, यहां तोची करीब मिल, यहां पर तोची मिल जाएगी आपकी, और यहां ही लगभग साइड में आपकी तोची, खुर्रम ये सब मिल जाएंगी, नीचे सिगार मिल जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन याद करना जरूरी है राइट साइड की नदियां सोया, गिलगित, हुंजा, निब्रा, सिगार, तोची, खुर्रम, फिर से याद कर लीजिए, सोयक, गिलगित, हुंजा, निब्रा, सिगार, तोची, खुर्रम, कौन कौन सी हैं, सोयक, गिलगित, हुंजा, निब्रा, तोची, खुर्रम, आपको नदियां याद हो गई होंगी। अब एक नदी आपकी बच रही है बाएं साइड की, अगर बात करें बाएं साइड की बात करें तो हम लोग केवल दो ही नदी जानते हैं, द्रास और जस्कर, द्रास और जस्कर, कौन कौन सी नदी है, द्रास और जस्कर, ये है द्रास और दूसरा है जस्कर, तो कुल मिलाकर के लेफ्ट साइड की केवल दो नदी हैं, बाकी राइट साइड में सोया, गिलगित, हुंजा, निब्रा, सिगार और तोची, खुर्रम, ये इतने प्रकार की नदियां हैं। कुल मिलाकर के सिंधु नदी में इतना ही था जो मैंने आपको अभी तक बताया कंप्लीट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी जो कुछ बचा होगा अगले वीडियो में देखते हैं।